सो हे सभी लोग, वेलकम बैक टू सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। सो आज हम लोग खेल रहे एक नया वर्ड भाई, मतलब नया गेम प्ले, कुछ कुछ तो है भाई। ये वर्ड इन अ जार, इस मैप का नाम है भाई, ठीक है। सो हम लोग अभी ऐसे वर्ड के अंदर है जो कि एक जार के अंदर बंदे देख रहे हो ना, जार की चाहो तो फिर कांच की दीवार, ऊपर ढक्कन और बहुत सी चीज़ें ऐसी है, ठीक है। तो हम लोग भी जार के अंदर बंद है, तो हम लोग को क्या इसके अंदर देखो रिसोर्सेज तक तो लिमिटेड रहने वाले, ठीक है। तो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल सही से करना पड़ेगा, मतलब सोच सोच के करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ हम लोग को हर एक चीज़ ज़्यादा ढूंढनी भी पड़ेगी इसके अंदर, क्योंकि छोटी छोटी जो जगह है उसी के अंदर मुझे ढूंढना है कि सामान कहाँ है और कहाँ नहीं, ठीक है। सो अभी एक काम करते चलते अपने बेसिक टूल्स बनाते हैं, और हाँ अभी बेसिक टूल्स ही बनाना है सबसे पहले काम, तो यही होता है अपना बेसिक टूल्स बनाना। और उसके बाद मेरे लिए यहाँ पे खाने पीने का भी इंतजाम करना पड़ेगा, और चेस्ट के अंदर एक बुक रखी हुई है, ये देख सकते हो तुम लोग। तो यहाँ पे अगर तुम लोग पढ़ो तो कुछ चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई है, एमसी सेटिंग, क्रिएटेड नोट्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो स्पॉन्ज वगैरह बता रहे हैं यहाँ कहीं पर रहता है, और ये सब हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको कर देख रहे, मुझे थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, लेकिन वो सब बाद में करेंगे, ठीक है। अभी पहले कुछ नहीं, अभी हम लोग अपना काम करते हैं, ठीक है। तो अपना काम करने के लिए क्या करना है, देखो हम लोग को सबसे पहले छोटे बहुत मतलब थोड़े बहुत आर्मर्स बना, मतलब सामान बनाना है अपना, ठीक है। तो जल्दी से वो सब सामान बना लेते हैं। तो अभी मेरा भाई नीचे आ चुका है माइनिंग करने के लिए, तो इसके ना माइनिंग करने के लिए ज़्यादा तो कुछ है नहीं, लेकिन हाँ आयरन वगैरह यहाँ पे दिख रहा है। तो जल्दी से मेरे भाई ने मतलब थोड़ा बहुत सामान ले लेते हैं, मतलब यहाँ से कॉबल स्टोन कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और कॉबल स्टोन के डायरेक्ट टूल्स बनाते हैं, मैं वुड की क्यों बनाऊँ, जब मेरे भाई ने बना ही लिया है वुड की चीज़ें, तो मैं कॉबल स्टोन कलेक्ट करके डायरेक्ट कॉबल स्टोन का सामान बनाते हैं और फिर आयरन निकालते हैं। तो अभी क्राफ्टिंग का टाइम हो चुका है, तो जल्दी से हम लोग क्राफ्टिंग करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो थोड़े बहुत स्टिक्स बना लेते हैं, फिर अपने नॉर्मल टूल्स बना लेते हैं, और फिर वापस से चलते केव के अंदर। केव हमारी यहाँ पे देख सकते हो पहले से भरी हुई थोड़ी सी मिलती है, बाकी नीचे जाके हम लोग खुद से बनाना होता है, ठीक है। तो ये छोटी सी केव मिली हुई है, अब यहाँ से हम लोग आयरन अपना निकालते हैं जल्दी से सारा का सारा, और ऊपर ले चल के इसको जल्दी से स्मेल्ट करते हैं, और देखते कितना आयरन मिलता है हम लोग को, काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा वैसे। सो अभी हम लोग ले आ चुके हैं अपनी आयरन की पिकेक्स बना के, और यहाँ पे थोड़े बहुत मेरे को रेड स्टोन के और दिखे थे, तो जल्दी से इनको भी कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। और तुम लोगों के अगर ये वर्ड खेलना है तो तुम लोग मुझे बता सकते हो, मैं डाउनलोड वीडियो बना दूँगा इस वर्ड के ऊपर कैसे इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो हाँ अभी हम लोग इसको करते जल्दी से माइनिंग वगैरह, ठीक है। तो रेड स्टोन मेरे को काफ़ी ज़्यादा मिल चुका है, नीचे तुम लोग ग्रास देख सकते हो, मतलब नीचे खत्म हो चुकी है माइन, मतलब चारों तरफ ही हम लोग को माइन करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक स्पॉनर भी रहता है मैंने सुना है, तो देखते हैं वो स्पॉनर किधर साइड मिलने वाला है हम लोग को, पता नहीं, ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं तो होगा ही यहीं कहीं पर। ओके सो अभी काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है स्पॉनर ढूंढते ढूंढते, और काफ़ी ज़्यादा आयरन भी मिल चुका है, और यहाँ पे हम लोग को स्पॉनर मिल चुका है। तो लोग देख सकते हो ये वाले ब्लॉक्स स्पॉनर के पास ही होते हैं बेसिकली, तो हाँ यहीं पे हम लोग का स्पॉनर है। तो हम लोग यहाँ से ना जाने के बदले ऊपर से चलते थोड़ा सा, ताकि बढ़िया आराम से ढूंढ सके, क्योंकि तो अंदर बहुत सारे मॉब्स होने वाले हैं भाई, पता नहीं कितने मॉब्स होंगे इसके अंदर। तो यहाँ से चलते हैं, और हाँ ये दिखा माइंड करके देखते हो, कोई कोई ये भी माइंड कर दूँगा ताकि थोड़ा सा दिखने में आसानी हो। और ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है, ये ऑप्टिफाइन ये वाला जो इसका ब्रेकिंग का टेक्सचर है ना, काफ़ी तुम्हें सही लग रहा है देखने में। वैसे हाँ ये देख सकते हो तुम अंदर कितने सारे मारो भाई, ठीक है भाई, मारो मारो मारो, एक काम करो भाई तुम अंदर सीधे जाओ, टॉर्च लगाना और मैं सबको मारूंगा, ठीक है। तो थ्री एक सेकंड, रुको रुको अपने सामान में बना के ले आओ, रुको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से चल के सबसे पहले एक एक्स बना देते ताकि उससे हम लोग इन लोगों को मार पाए, ठीक है। तो जल्दी से चलते बनाते। सो भाई अभी हम लोग आ चुके हैं अपनी स्वॉर्ड लेके, अब इसको भेजते हैं अंदर, टॉर्च लगा रहे हैं हम मारना शुरू करते हैं, ठीक है। तो तू तोड़ दिया मैंने, जल्दी से अंदर जाओ और टॉर्च लगाओ जल्दी से जल्दी, और मैं यहाँ पे सबको तो, अरे भाई 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 कितने बंदे भाई साहब, अरे मेरा तो कुछ भी नहीं कर पाई लोग, अरे एक ने भाई अटैक कर दिया, अरे कोई बात नहीं बच जाएगी, अब इनको बांधना है बस मुझे, और कुछ नहीं करता है यहाँ पे। ओके सो टॉर्चेस तो लगा दिए, अब इनको लूटना देखते हैं क्या। ओके आयरन, गोल्डन एप्पल और बेसिकली थोड़ा बहुत खाना कह सकते हो, रॉटन फ्लेश खाना ही हो गया मेरा। तो हाँ चलो ये ठीक है, आगे एक काम करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या रखा हुआ है। इसके अंदर भी नॉर्मल सामान है, ब्रेड वगैरह, तो जल्दी से सब भी कलेक्ट कर लेते हैं जल्दी से जल्दी, और ये सब कलेक्ट करने के बाद चलते हैं आगे करने के लिए अपना काम। अब अगला काम तो हमारा यही रहेगा कि हम लोग को आगे दूसरे आइलैंड से पर जाना होगा, ठीक है। तो उसके आइलैंड पे जाने के लिए मुझे काफ़ी सारे कॉबल स्टोन चाहिए होंगे, कॉबल स्टोन तो मेरे को मिल ही चुके हैं, ठीक है। और मैं अभी उससे बनाने वाला हूँ स्लैब्स, ठीक है। तो मैं सोच रहा था कि स्टोन कटर बना लूँ, लेकिन इसको बनाने कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मुझे ना स्लैब्स चाहिए, और स्लैब वैसे भी अगर हम लोग तीन रखते हैं तो छः मिल जाते हैं, तो डबल वैसे ही मिल जाता है, ठीक है। तो उसकी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो ये ज़्यादा सही तरीका है, तो इसी में बनाते हैं। उसमें अगर बनाएगा तो एक का एक ही मिलेगा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो उसमें नुकसान में, तो हम लोग सबसे पहले इधर चलते हैं, यहाँ पे सामने एक विलेज दिख रहा है मेरे को, तो इस साइड को चलते हैं, रुको यहाँ से चलते हैं, ठीक है। ये जगह सही लग रही है मेरे को अभी के लिए, तो ऊपर से थोड़ा सा अब इसको थोड़ा आगे ब्रिज बनाते हुए चलते हैं वहाँ पे। तो अभी के लिए हम लोग पहुँच चुके हैं, बस यहाँ पे इसको ब्रेक करना है और फिर सीधे अंदर जाना है। और हो सकता है यहाँ पे मेरे ख्याल से विलेजर्स अभी ना हो, क्योंकि समझ लो ना वही बात है, थोड़ा बहुत ग्लिचेस वगैरह चलते, चलो उसको तो मैं ठीक कर दूंगा बाद में, ठीक है ना, उसको मैं कर दूंगी भाई इस चीज़ को।
तो भाई वो चीज़ तो बाद में करेंगे क्योंकि भाई विलेजर्स होना जरूरी है। और भाई मेरे भाई को स्पॉन्ज भी मिल गया यहाँ पे, इसके अंदर स्पॉन्ज रखा था, ठीक है। तो हाँ मेरे भाई को विलेजर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब विलेज मैं कह रहा था, मतलब विलेजर से काम क्या होने वाला है, विलेजर से ये काम होने वाला है ना कि इसके अंदर टेलीपोर्टर्स होते हैं। इसके अंदर हम लोग अपने खुद के पोर्टल्स वगैरह नहीं बना सकते, मतलब नेदर पोर्टल और एंड पोर्टल, तो उसको यूज़ करने के लिए हमें टेलीपोर्टर लग चाहिए होता है, ठीक है। तो टेलीपोर्टर के लिए हम लोग को इनसे ट्रेड करना पड़ता है। तो वो चीज़ तो चलो मैं देख लूँगा बाद में, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे इसके अंदर वर्ल्ड के अंदर, तो वो सब तो मैं बाद में कर लूँगा। अभी के लिए हम लोग अपना काम करते हैं। अब इसको तो लूट लिया है यहाँ पे, वैसे मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा होगा नहीं चेस्ट के अलावा, तो उसको लूटते और आगे बढ़ते, आगे देखते आगे क्या क्या चीज़ें हैं। सो अभी के लिए हम लोग सोच रहे हैं उस वाले आइलैंड पे जाने को, तो ठीक है यहाँ से हम लोग अपना बिल्डिंग शुरू करते हैं भाई, उस वाले आइलैंड के ऊपर चलते हैं सबसे पहले। तो बस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं भाई यहाँ पे, देखो थोड़ा ध्यान से काम करना पड़ता है भाई, ठीक है। कुछ भी हो रहा था हम लोग गिर सकते हैं वगैरह वगैरह, तो उसको देख के चलना पड़ता है, ठीक है। अभी के लिए हम लोग यहाँ आ चुके हैं। इस बैरल के अंदर क्या है, ओ भाई हार्ट ऑफ द सी मिल गया भाई, डायमंड, पहला डायमंड हम लोग को मिल चुका है, ठीक है। हार्ट ऑफ द सी मिल चुका है, और डेजर्ट के अंदर सी वाली चीज़ पता नहीं क्या कर रही है, डेजर्ट में पानी तो होता है नहीं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात उसको छोड़ते हैं भाई, तो हम लोग अपना आगे काम करते थे। इसके अंदर तो अभी कुछ नहीं था, अब इस वाले में भी चल के देखते हैं, यहाँ पे पता नहीं क्या होता है, कुछ तो होना ही चाहिए भाई, देखते हैं। यहाँ पे भी बैरल तो एक रखा हुआ, देखते हैं उसके अंदर क्या है। ओके सो बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं उस पर भी, और पहुँचने वाले क्या है ना, बस पहुँच गए हैं, ठीक है। तो जल्दी से चलते हैं, इसके ऊपर जंप करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक ब्लॉक लगा देते हैं यहाँ पे, ताकि अगर गिरे भी तो बच जाए, मतलब गिरे ना हम लोग नीचे, ठीक है। तो अभी मेरा भाई तो आगे जा चुका है, इसको भाई कोई डर नाम की चीज़ नहीं भाई, तुरंत जाता है भाई भागते हुए, तुरंत ही तुरंत, कोई दिक्कत ही नहीं भाई। और यहाँ पे भी हम लोग को वही सब कूड़ा कचरा मिल रहा है भाई, और कुछ भी नहीं मिल रहा जा रहा, ठीक है। तो अभी ये सब कलेक्ट कर लेते हैं। और तुम लोगों ने ये वाली वीडियो अगर मेरी नहीं देखी, तो मैं सोचो कि मैं इतनी जल्दी जल्दी सामान अपने इन्वेंट्री में कैसे ले पा रहा हूँ, तो ये मैं ऑप्टिफाइन के थ्रू ले पा रहा हूँ, एक UI है भाई ये बेसिकली, ठीक है। तो अगर तुम लोग वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है, तो जाके चैनल पर देख लो भाई, रीसेंट वीडियो है, जल्दी से जाके देखो। और शायद से मैं तुम लोग को ऊपर आई बटन में भी बता दूंगा कि कहाँ पे है, ठीक है। उसको छोड़ते हैं, वैसे कन्फ्यूज़ तो हम बहुत ज़्यादा, मतलब टाइम नहीं रहता यार, बिजी रहते भाई बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है ना हो, लेकिन तुम लोग जाके देख लेना चैनल पे यार, तुम लोग को भी पता चल जाएगा। काफ़ी अच्छा UI है भाई, इससे मालूम बहुत अच्छे फ्रेम रेट्स आ जाते हैं भाई, मतलब FPS अच्छे खासे हो जाते हैं इससे, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं अपना आगे का काम करने के लिए। दूसरे आइलैंड्स पे भी चलना है भाई, अभी बहुत काम है यार, बहुत सारे आइलैंड्स लूटने हैं आज। ओके तो चलो गाइस, ये वाला हमारा आइलैंड है, फाइनल आइलैंड आज के लिए, हम लोग यही लूटने वाले हैं, ठीक है। तो चलते जल्दी से इसके ऊपर भी और देखते हैं भाई इसके अंदर क्या है, ठीक है। तो जल्दी से इसके अंदर रास्ता बनाते हैं, ऊपर से रास्ता बना लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो चलो देखते हैं, इसके अंदर भी एक बैरल रखा हुआ है, सामने ही रखा है, ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पर रखा है। और इसके अंदर वही हनीकॉम वगैरह, जिससे हम लोग हनी वगैरह ले सकते हैं, और कुछ नहीं हुआ है वैसे, ये बोन भी मेरे काम आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर तो कुछ ज़्यादा लूटने को था नहीं, तो हाँ आशीर्वाद में तय रहा, तुम लोग अगर आशीर्वाद अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल अपने हाउस में सब्सक्राइब करना, अभी तक मेरा इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड नहीं भी कर लो, तो आशीर्वाद तक वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर डाउनलोड वीडियो चाहिए मैप की तो मुझे बता देना, मैं बना दूंगा उसको भी।